बैक टू कविता इज हेयर। आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग एक बार फिर से इतिहास हिस्ट्री के महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ईजी, कुछ टफ और कुछ ईजी टू मॉडरेट लेवल के भी हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर कौन? अकबर द ग्रेट का मुख्य उद्देश्य था ए, राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, बी, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, सी, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना, या डी, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स मीन कि नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4th विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस ए, चिरांत, बी, छोटा नागपुर, सी, चुनार और डी, झुंसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताएंगे तो चलिए बता देती हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट्स मीन चिरांत। नंबर 3rd इज, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उद्घोष किसने किया था। वेरी इजी क्वेश्चन और आप जानते भी होंगे आई थिंक इसका आंसर, फिर भी बता देना चाहिए। ए, लाला लाजपत राय, बी, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, सी, लोकमान्य तिलक ने, या केशव चंद्र सेन ने। तो इसका एक्यूरेट और करेक्ट आंसर क्या है, सी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सूची 1st का मिलान सूची 2nd से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम्स ड्रॉ है, एक पे हिस्टोरिकल पर्सन्स के नेम है, दूसरी तरफ उनके रिगार्डिंग जो उन्होंने वर्क किया है उसकी सूची है। तो सूची 1st का मिलान आपको सूची 2nd से करना है और इसके रिगार्डिंग जो है कूट जो है कोडिंग जो है वो नीचे दी गई है। चलिए इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर होगा आपका डी, आप इसको टैली कर लीजिएगा तो आपको ये आंसर कंफर्म हो जाएगा, अगर मैं करूँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी ए, सन 1865 में, सेकंड, सन 1875 ईस्वी में, सी, सन 1885 में, या डी, सन 1895 में। और इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, बी, सन 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट वन, तुर्क शासक सहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था। वेरी इजी क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर ए, कन्नौज का युद्ध, बी, तराइन का सेकंड वॉर, सी, पानीपत का युद्ध, या डी, खानवा का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट वन, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, बी, लॉर्ड क्लाइव, सी, लॉर्ड वार्लो, या डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी, जालियांवाला बाग, सी, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और डी, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसको मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है। तो इसका जो आंसर है, इसका आई थिंक आंसर होगा ए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1885 में बॉम्बे में हुई थी। ओके, और बी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड अमृतसर वाला है वो हुआ था 1919 में। ओके, एंड असहयोग आंदोलन हुआ था 1930 में। लास्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसके हिसाब से जो कोड बनेगा ए,
बी सी और डी, दैट्स मीन कि ए आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वन कि पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था, कि धार्मिक उपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था। तो ऑप्शन आर ए बी प्राकृत, सी मराठी और डी बंगाली। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी प्राकृत। ओके नेक्स्ट वन लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे। ओके ऑप्शन आर ए गर्भगृह, बी मंडप, सी शिखर या डी तोरण द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मंडप। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय टू ऑल।